आइए पधारिए। ऐसा ही जल्लोष रहता है हमारे इस ब्रज धाम में, इस गोकुल नगरी में, जहाँ के निवासी है कान्हा और अन्य भक्तगण। आज मैं अलका चौधरी प्रस्तुत करने जा रही हूँ दिव्य दामोदर लीला, और नाट्य शैली का प्रयोग जो मैंने किया है वो है रास लीला। एक दिन की बात है, मैया यशोधा अपने छोटे से कान्हा को स्तनपान करा रही थी और खूब निहार रही थी। उतने में उन्होंने देखा कि चूल्हे पे रखा हुआ दूध उफान कर नीचे गिरा जा रहा है। तुरंत उन्होंने अपने कन्हैया को लिया और नीचे धरातल पर रख दिया और गई उस दूध की ओर। कान्हा गुस्से में ली एक छोटी सी कंकड़ी और दे मारी मटकी पर, मटकी फूट गई। कान्हा ने माखन उठाया और गुस्से में चले गए। मैया जब लौटी, देखा कि कान्हा तो यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं और ढूंढने लगी, कन्हैया लल्ला लल्ला। ढूंढते ढूंढते कमरे में पहुंची तो क्या देखा, कन्हैया ओखली उल्टी रखकर उस पर चढ़कर छीके में से माखन निकालकर बंदरों को बांट रहे थे। जो ही मैया को वहां खड़ा देखा, कान्हा दौड़ने लगे, आगे आगे कान्हा, पीछे पीछे मैया। आखिरकार किसी तरह मैया ने कान्हा को पकड़ ही लिया। अब गुस्से में बोली, आज कछु नहीं सुनूंगी मैं तुम्हारा, कन्हैया आज अवश्य दंड दूंगी। कृष्णा सहम गए। मैया ने रस्सी उठाई और बांधने लगी। केवल दो अंगुल रस्सी कम पड़ गई और रस्सी मंगवाई गई, पर सारे ब्रज की रस्सी मंगवा कर भी कान्हा को यशोदा मैया बांध नहीं पाई। संत महात्मा बताते हैं इस दो अंगुल रस्सी का रहस्य। इस दो अंगुल रस्सी का रहस्य है, पहली अंगुल हम भक्तों का प्रयास, और दूसरा जो अंगुल है वो है कृष्ण कृपा। आखिरकार वात्सल्यवश छोटे से नंदलाला मैया के रस्सी में खुद को ही उन्होंने अपने आप को बंधवा लिया। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा, बोलिए राधे राधे।